हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुबह के 5:30 बजे के सेशन में। एंड ऑफ कोर्स यस, सारे के सारे एसएससी एग्जामिनेशंस को टारगेट करते हुए ये सारे सेशंस डिजाइन किए जाते हैं। तो वन बाय वन हम उन टॉपिक्स को कवर अप करते हैं, वन बाय वन हम उन टॉपिक्स को चेक करते हैं जिसमें कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट कई सारी चीजें होती हैं। तो जैसा कि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लॉक। कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले हम लोगों ने एक बार फिर क्लॉक डिस्कस किया था, लेकिन उसमें हमने इमेज बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे। दैट मींस हाउ टू फाइंड मिरर एंड वाटर इमेज ऑफ अ गिवन टाइम। अगर किसी घड़ी का कोई समय दिया जाता है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब कैसे ज्ञात किया जाए। आज की इस क्लास में इंपॉर्टेंट क्या है, तो आज की इस क्लास में हम फाइंड करने वाले हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब हो गया एंगल, एंगल का मतलब हो गया कोण, मतलब घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच बनने वाली दूरी, या आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच के डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं एंगल, उसे हम फाइंड करेंगे आज यहाँ पे इस क्लास में। ऑफ कोर्स ट्रिक्स के थ्रू करेंगे यार, क्योंकि अगर ट्रेडिशनली करने बैठोगे, लेंथी मेथड में करने बैठोगे, एग्जाम में भी टाइम टेकिंग हो जाएगा। दूसरा, आपका दिमाग इतना ज्यादा पजल्ड हो जाएगा प्लस माइनस करते करते, इनटू करते करते। इसीलिए ट्रिक याद कर लेना ताकि एग्जाम में भी आराम से आंसर निकले और दिमाग में ज्यादा लोड या स्ट्रेस भी ना पड़े। तो चलो फिर, ऑफ कोर्स उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे, बट ऑफ कोर्स एज यू ऑल नो कि हमें क्लासेस की टाइमिंग एक बार 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 आपको बतानी पड़ती है। रीजन बिहाइंड कि कोई ना कोई तो डेली बेसिस पे सेशन को पहली बार देखता ही है। तो जैसा कि आपको पता है, वाईफाई स्टूडियोज इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी, तो अनअकैडमी पे हमारी प्रोफाइल को फॉलो करना ना भूलें ताकि अपकमिंग बैचेस, अपकमिंग नोटिफिकेशंस, आपको सब कुछ पता चलता रहे। इसके अलावा बैंक की फ्री स्पेशल क्लास जो कि सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों के लिए है, दैट मींस ओपन फॉर ऑल, सुबह 7:30 बजे। इसके अलावा एसएससी की फ्री स्पेशल क्लास, अगेन सब्सक्राइबर्स नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों के लिए, रात में 9 बजे। ये दोनों ही सेशन 60-60 मिनट्स के होते हैं, तो आप ये सोचो कि आपको कितना ज्यादा बेनिफिशियल कंटेंट इसमें प्रोवाइड होता है। एंड डेफिनेटली इसके कोई चार्जेस नहीं है और ये डेली क्लासेस हैं, तो आप यूट्यूब पे तो क्लासेस करते ही हो, इसको भी आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हो। प्लस कोर्स की बात करें तो 12:30 बजे 16 दिसंबर को हमारा प्लस कोर्स लॉन्च होने वाला है, जिसमें हम अगेन एसएससी के सिलेबस को कवर अप करने वाले हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए जिस कोड को यूज करना है आपको, दैट इज SMS10। SMS10 कोड यूज करोगे तो 10% डिस्काउंट आप अवेल कर पाओगे। अब प्लस कोर्स की खासियत यह है कि वो 90 मिनट्स की क्लास का सेशन है, दैट मींस 1.5 आवर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप ही के लिए हैं, आप ही के बेनिफिट्स के लिए हैं। तो कैसे करना है, क्या करना है, ये तो टोटली आप ही के ऊपर है, पर करना है इसके लिए हम आपको ये डेली इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। YouTube का स्केड्यूल भी एक बार देख लो, तो दोनों चैनल्स पे वाईफाई स्टूडियोज और वाईफाई 2.0। वाईफाई स्टूडियोज की अगर हम बात करें, मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 5:30 बजे सेशन प्रीमियर होता है, जो कि अभी फिलहाल है। सैटरडे संडे शाम को 7 बजे सेशन लाइव चलता है। 2.0 की बात करें तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक सेशन लाइव चलता है 4:30 PM पे, और यही सैटरडे संडे हो जाता है 4 PM पे, अगेन लाइव सेशन। अब डिफरेंस क्या है यार इन सब में, तो जो सुबह 5:30 बजे वाला सेशन है वो 1/2 आवर का होता है ऑलमोस्ट, जो 4:30 बजे वाला सेशन है वो 1/2 आवर का होता है, लेकिन जो 7 PM का सेशन है वो ऑलमोस्ट 60 मिनट्स का, और 4 PM का सेशन है वो भी ऑलमोस्ट 60 मिनट्स का होता है। दैट मीन्स वीकेंड पे कुछ ना कुछ स्पेशल हो, तो बस इसीलिए ये सारी की सारी चीजें आपके लिए प्लान आउट की जाती है। तो बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने सेशंस को लाइन अप करें, अलाइन करें, रीजनिंग के कौन कौन से सेशंस फॉलो करने हैं, आपके पास अब सारी लिस्ट है। सब्सक्रिप्शन का भी प्रोसेस एक बार देख लो, तो यार किसी भी कोर्स पे क्लिक करना। अब किसी भी कोर्स की बात करें तो किसी भी कोर्स पे, जरूरी नहीं है हमारी फोटोग्राफ से ही करो, किसी भी कोर्स पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके पास ड्यूरेशन का एक पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही ड्यूरेशन का पेज ओपन हो जाएगा, अगेन आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी प्लानिंग क्या है, कितने महीने में सिलेक्शन लेना है, कितने महीने में आप टारगेट कर रहे हो अपने सिलेक्शन को, तो उतने आप सब्सक्रिप्शन के लिए अपने मंथ सिलेक्ट कर सकते हो। उसी पेज पे कोड अप्लाई करना है SMS10। अब जैसे ही कोड अप्लाई करोगे, प्रोसीड टू पे करते ही जो अमाउंट होगा वो डिस्काउंटेड उस प्राइस पे पहुंच जाएगा, सब्सक्रिप्शन आपका डन हो जाएगा वाइल डूइंग द पेमेंट। अच्छा, इसमें बेनिफिट बहुत बड़ा है, हमारे सब्जेक्ट्स के साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्लस अदर एजुकेटर की क्लासेस, तो अदर सब्जेक्ट्स और अदर एजुकेटर्स, दैट मीन्स आप हमारे साथ रीजनिंग में, आप हमारे साथ सिर्फ हमारे कोर्सेज पे बाउंड नहीं हो, आप बाकी सारे कोर्सेज, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी अटेंड कर सकते हो।
तो यार किसका वेट कर रहे हो, सब्सक्रिप्शन के लिए जस्ट अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो और बस सब्सक्रिप्शन के लिए आगे बढ़ जाओ। कोड अपना ये मत भूलना यार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डिस्काउंट इसी से लगेगा। तो चलो फिर अब सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने के साथ साथ देखते हैं फटाफट क्या ट्रिक्स होंगी जिसके थ्रू हम एंगल फ्रॉम द गिवन टाइम फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन का मोटिव सीधा सीधा से ये है, फाइंड एंगल फ्रॉम द गिवन टाइम। जो भी दिया गया समय होगा उससे हमें एंगल या कोण या अंश उसका डिटरमाइन करना है। तो दो ट्रिक्स हम आपको यहां पे आज बताने वाले हैं। सबसे पहले ट्रिक नंबर वन। नाउ ट्रिक नंबर वन हमारी क्या कहती है कि हम दो वैल्यूज फाइंड करेंगे, फाइंड टू वैल्यूज एंड देन सब्ट्रैक्ट देम। मतलब क्या हुआ, दो वैल्यूज आप फाइंड करें, याद करें और फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर दें। अब दो वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो वैल्यू वन को हम ए बोल देते हैं, वैल्यू टू को हम बी बोल देते हैं। वैल्यू ए फाइंड करने के लिए एच इंटू 30 प्लस एम अपॉन 2 करेंगे और वैल्यू बी फाइंड करने के लिए एम इंटू 6 करेंगे। और फिर ए माइनस बी या बी माइनस ए, दैट इज टोटली डिपेंडेंस कि किससे हमें बड़ी वैल्यू मिली है। जरूरी नहीं है कि हमेशा आप बी माइनस ए ही करो या ए माइनस बी ही करो, जिससे भी वैल्यू बड़ी होगी उससे हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, समझे। अब एच क्या है, तो एच स्टैंड्स फॉर आर, एम स्टैंड्स फॉर मिनट, डन। ये हो गई हमारी ट्रिक नंबर वन। अब ट्रिक नंबर टू की बारी, तो जिसको जो समझ में आए, जिसको जो याद रहे उससे आंसर फाइंड करें। ट्रिक नंबर टू कहती है 11 अपॉन 2 इंटू एम, जस्ट अ सेकेंड, 11 अपॉन 2 इंटू एम माइनस एच इंटू 30। अगेन एच स्टैंड्स फॉर आर एंड एम स्टैंड्स फॉर मिनट, समझ गए। तो दोनों फॉर्मूले आपके सामने हैं, इट इज टोटली अप टू यू आप किसके थ्रू आंसर निकालो। करना हमें एंगल फाइंड है जो भी दिया गया टाइम हो उससे। आई होप आपने इस ट्रिक को नोट कर लिया है, यस। तो अब हम इसका क्वेश्चन इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। लेट्स से हमारे पास गिवन टाइम है 11:57। क्वेश्चन इसी तरीके से होता है, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड व्हेन द क्लॉक शोज 11:57। घड़ी की सुई, घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब घड़ी में समय 11:57 दिखे। तो अब देखो हमारे पास हमारे h की वैल्यू भी है, हमारे पास हमारे m की वैल्यू भी है। h की वैल्यू 11, m की वैल्यू 57। ट्रिक वन, तो ट्रिक वन में हमने क्या कहा था, h इंटू 30, सो दैट मीन्स 11 इंटू 30 प्लस m अपॉन 2 मतलब 57 अपॉन 2। ये हम पहली वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना। तो 11 इंटू 30 कितना हो गया हमारा, 330। अब 57 अपॉन 2 तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, 2 8 16, 28.5। ऐड कर दो इसको फटाफट, तो ये कितना हो गया हमारा 358.5। वैल्यू 2 के लिए क्या करना है, m इंटू 6 मतलब 57 इंटू 6, डन। अब 57 ये हमारा एच और एम इसी में से हमने पिक किया है, ठीक है। 57 इंटू 6 किया तो कितना हो गया, 6 7 42, 4 कैरी 6 5 30, 30 और 4 34, डन। अब क्या करना है, फाइनली हमको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है ना। तो यहां हम सब्ट्रैक्ट करते, देखो 358.5 माइनस 342, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 358.5 माइनस 342। थोड़ा सा ऊपर करें तो क्लियरली समझ में आएगा, थ्री फिफ्टी एट पॉइंट फाइव माइनस 342। यार तो 0.5 आ गया, 8 में से 2 गया 6 हो गया, 5 में से 4 गया 1 हो गया, सो दैट मीन्स 16.5 इज द आंसर। सिंपल है, ऑफकोर्स सिंपल है, बस इस ट्रिक को याद कर लो तो फिर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ट्रिक टू से भी देख ले, क्यों ना देखें, ट्रिक टू से भी देख ले।
ट्रिक टू के लिए हम सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था. क्या था वो? 11 अपॉन 2 इंटू एम माइनस एच इंटू 30. 11 अपॉन 2 इंटू एम, एम मतलब 57, माइनस एच इंटू 30. तो काट दो पहले ही यहीं पे. ये कितना हो गया हमारा? काटने की वजह या तो एक काम करो, पहले तो आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यार काट दोगे तो डेसिमल में चला जाएगा, फिर उस डेसिमल को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इट्स बेटर कि पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. 57 वन्स आर 57, 5 कैरी, 57 वन्स आर 57, 58 59 60 61 62, 627 अपॉन 2 माइनस 330. डन. अब इसको काट दो. तो ये 2 3s are 6, 2 1s are 2, और ये हो गया कितना हमारा, 2 3s are 6 again, 0.5. 313 माइनस 330. ठीक है, तो अब देखो सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा ये, 330 माइनस 313.5. तो यहां तो आ गया 0.5 का 0.5, 9 में से 3 गया 6 बचा, और अब यहां पे कितना है, 2 में से 1 गया 6 बचा. अब माइनस 16.5, इस ट्रिक में यही चीज हो जाएगी, इस ट्रिक में यही चीज हो जाएगी कि माइनस आए चाहे प्लस आए, हम उसको कंसिडर करेंगे 16.5 ही. ट्रिक वन से सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, ट्रिक टू से सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस दोनों कंसिडर करेंगे हम, ऐसा नहीं कि माइनस में आया तो माइनस लेके चलेंगे. बात समझे? क्योंकि 313.5 तो यार छोटा हो गया ना 330 से, तो चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो. बस हाँ ये याद रखना, ट्रिक वन में एक्यूरेट आंसर आएगा, एक्यूरेट का मतलब एक्यूरेट, ना प्लस ना माइनस. ट्रिक टू में प्लस माइनस कंसिडर करते हुए हमें आंसर एज इट इज ले लेना है, आएगा दोनों का सेम, बस प्लस माइनस का डिफरेंस हो सकता है. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट. चलो एक और एग्जांपल देखते हैं फिर. 4 बजे का, तो 4 बजे का यार इमेज निकालने के लिए ना एक बेसिक तरीका भी है. बेसिक तरीका ये है, 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री, 5 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री. अब आप ये देखो, सबसे पहले तो 12 1 2 3 4 5 6, 4 बजने का मतलब होता है मिनट हैंड 12 पे, आवर हैंड 4 पे, एक पार्टीशन 30 डिग्री का. तो 1 2 3 4, 4 पार्टीशन क्रॉस करके हम 4 बजाएंगे. तो हम सिंपली कर सकते हैं 30 डिग्री इंटू 4, 120 डिग्री हमारा आंसर. यस, डायरेक्टली कर सकते हैं. जब कहीं कोई मिनट ही नहीं है ना, तो हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि 30 30 डिग्री का है तो उस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा. लेकिन फिर भी चलो, अगर हम ट्रिक वन और ट्रिक टू दोनों लगाएं, तो ट्रिक वन क्या थी हमारी, 4 into 30 प्लस एम अपॉन 2, तो ये हो गया हमारा 120. फिर एम इंटू 6 था, तो 0 into 6 तो 0 ही होता है, तो 120 माइनस 0 तो रहेगा 120 का 120. क्लियर? अब इसके बाद यहां पे अगर हम देखें ट्रिक नंबर 2, सो ट्रिक नंबर 2 में हमसे कहा गया है क्या, 11 अपॉन 2 इंटू 0 माइनस एच इंटू 30. तो अब देखो ये तो 0 का 0 ही हो गया, माइनस 120, तो हमने क्या कहा था, प्लस माइनस 120 रखना पड़ेगा. तो यहां से भी वही, यहां से भी वही. डन. चलो अगला देखें, 315. तो अब h की वैल्यू 3, m की वैल्यू 15. ट्रिक 1, 3 into 30, अब हम डायरेक्टली कर रहे हैं, h into 30 मतलब 3 into 30 प्लस m upon 2, तो ये हो गया हमारा 3 3 is 9 90 प्लस 2 7.5. ठीक है, 2 से 7.5 टाइम जाएगा, तो ये हो गया 97.5. वैल्यू 2 के लिए m into 6, तो 15 into 6, तो 15 6 कितना होता है 90. तो अब हो गया कितना हमारा, 97.5 माइनस 90, सो दैट गिव्स अस 7.5.
और 7.5 आंसर है। वही ट्रिक टू भी चेक कर लो, 11/2 × m, तो 15 − h × 30, तो कितना हो गया ये 15 × 15 = 165/2 − 90, तो 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4.5 − 90, 82.5 − 90, सो डेफिनेटली 7.5, बट अगेन प्लस माइनस दोनों के साथ। तो ट्रिक टू में बस यही चीज रहेगी आपको, जो प्लस माइनस हमेशा ध्यान में रखना है, बाकी तो सारे आंसर सही आने। ठीक है, डन। अगला देखो 6:30। अब h की वैल्यू 6, m की वैल्यू 30, ठीक है। तो अब फिर से हम वही करें, ट्रिक वन, 6 × 30 + m/2, मतलब 30/2, तो ये हो गया 6 × 3 = 18, 180 + 15 = 195। और दूसरी वैल्यू निकालने के लिए 30 × 6, ये वैल्यू ए, ये वैल्यू बी, तो 30 × 6 = 180, सो दैट मीन्स 195 − 180, तो कितना हो गया ये हमारा 15 डिग्री, सही। ट्रिक नंबर टू से देख लो, 11/2 × 30 − 6 × 30, तो ये कितना हो गया हमारा 330/2 − 180, कैंसिल हो गया, कितना आएगा 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 165 − 180, सो ऑफ कोर्स यस अगेन प्लस माइनस 15 डिग्री, सो ऑप्शन नंबर सी, डन। अगला देखो 8:20। अब h की वैल्यू 8, m की वैल्यू 20, ट्रिक वन। अब हमें लगता है हमारे साथ करते करते आपको भी समझ में आ गया होगा, है ना, 8 × 30 + 20/2, ये हो गया कितना 240 + 10 = 250, m × 6 = 20 × 6, कितना हो गया ये 120, सो दैट मीन्स 250 − 120, तो 250 − 120 कितना हो गया 3 = 130। ट्रिक टू, 11/2 × 20 − 8 × 30, काट दो पहले, 11 × 10 = 110 − 240, तो अब अगेन प्लस माइनस 130, सो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। क्लियर है, यस सो नो, यस। चलो फिर अगला देखें, h की वैल्यू 9, m की वैल्यू 27। अब आपको हमेशा दोनों ट्रिक से नहीं निकालना है, हम दोनों ट्रिक से इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आप जिस किसी से भी निकाल रहे हैं आपको ये पता चल जाए आंसर दोनों से सेम आता है, ठीक है। 9 × 30 + 27/2, सो 9 × 30 मतलब 270 प्लस 2 × 1 = 2 × 3 = 13.5, तो ये हो गया हमारा 283.5। और दूसरा 27 × 6, तो 6 × 7 = 42, 6 × 2 = 12, 13, 14, 15, 16, 162, 283.5 − 162, कितना हुआ ये 0.5121, 121.5। ट्रिक टू से देखें, 11/2 × m − तो अब कितना हो गया 27 × 1 = 27, 2 कैरी, 27 × 1 = 27, 28, 29/2 − 270, कितने टाइम्स आएगा ये 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16.5 − 270, तो बस प्लस माइनस 121.5 फिर से आ जाए, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, अगला देखो 5:21। एच की वैल्यू 5, एम की वैल्यू 21, तो बस ट्रिक वन, 5 × 30 +
21/2, 150 + 10.5, तो ये हो गया 160.5. फिर 21 × 6, 126. तो 160.5 - 126.5, 4, 9 में से, और यहाँ 5 में से 2 गया तो 3, 34.5. बस ट्रिक 2 में भी वही चीज़ आएगी, बस प्लस माइनस पे आ जाएगी. 11/2 × m - h × 30. तो ये कितना हो गया हमारा, 21 × 21, 21 × 21, 22 × 23, 231/2 - 150. तो ये कितने टाइम्स आएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 0.5 - 150. तो ऑफकोर्स प्लस माइनस 34.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी. हाँ, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम इसको पलटा दें, मतलब h into 30 माइनस 11/2 × m कर ले, कर सकते हो, या जैसे रहे वैसे कर सकते हो, पर ये ध्यान रखना ट्रिक वन हो चाहे ट्रिक टू हो, आंसर सबके सेम आएंगे. अगला देखो, 245, h की वैल्यू 2, m की वैल्यू 45. सो ट्रिक वन, 2 × 30 + 45/2, तो ये हो गया 60 + 22.5. तो ये हो गया कितना हमारा, 82.5. और यहां हो गया 45 × 6, तो 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24, 25 × 26 = 27, 270 माइनस 82.5, ये हो गया हमारा 9 में से 2 गया 7, अब यहाँ पे 16 में से 8 गया 8, 18, 187.5, as simple as that. ट्रिक 2 से भी यही आएगा, 11/2 × 45 - 2 × 30, 45 × 1 = 45, 4 कैरी, 45 × 1 = 45, 46, 47, 48, 49, 495/2 - 60. तो ये कितना हो गया हमारा, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, देन 2 × 7 = 14.5 - 60. तो बस अब यहाँ पे सही आएगा 0.57, 24 में से 6 गया 18, अब प्लस माइनस नहीं आया. तो डिपेंड्स यार, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू डेफिनेटली, जरूरी नहीं हर बार प्लस माइनस ही आए. तो इसीलिए फॉर्मूला पलटने से पहले ये भी ध्यान रखना कि आपके कुछ क्वेश्चंस में वो सही हो तो कुछ क्वेश्चंस में फिर वो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है. तो जस्ट कीप द फॉर्मूला एज इट इज, दैट इज 11/2 × m - h × 30, बाकी प्लस माइनस रखना ये तो हमें पता ही है, ठीक. अगला देखो, 6 o'clock, तो अब जैसे हमने 4 बजे का निकाला था वैसे ही 6 बजे का निकालो. 12 से लेके 6 तक कितने पार्टीशंस, 6 पार्टीशंस. 12 से लेके 6 तक जाने में 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो बस 30 × 6, 180 डिग्री. दूसरा इसके लिए तो कोई फॉर्मूला ही नहीं चाहिए, ना कुछ ट्रिक चाहिए, ना कैलकुलेशन चाहिए. कांटे एकदम सीधे होते हैं, मिनट हैंड एग्जैक्टली ऊपर, आवर हैंड नीचे. तो जब स्ट्रेट लाइन होता है तो ये एंगल तो 180 डिग्री ही होता है, हेंस प्रूफ. पर फिर भी चलो ट्रिक वन ट्रिक टू से लगाएंगे. तो h की वैल्यू 6, m की वैल्यू 0. ट्रिक वन, 6 × 30 + m/2, तो 180, और m इंटू 6 तो 0, सो 180 - 0, 180 डिग्री. यही अगर हम ट्रिक टू में देखें तो ट्रिक टू में क्या है, 11/2 × 0 - h × 30, मतलब 6 × 30, तो 0 - 180, तो फिर वही हो गया प्लस माइनस 180. डन, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, 7:10, तो बस आवर की वैल्यू 7, मिनट की वैल्यू 10. ट्रिक वन, 7 × 30 + m/2, 210
प्लस 5 215, m इंटू 6 10 इंटू 6 60, सो 215 माइनस 60, तो 5 का 5 एंड 21 में से 6 गया तो 15, तो 155 डिग्री। वही ट्रिक 2 में देखो, 11 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 7 इंटू 30, तो कितना हो गया ये हमारा, 11 टेन्स आ 110 अपॉन 2 माइनस 210, तो ये कितने टाइम्स आएगा, 2 फाइव्स आ 10, 2 फाइव्स आ 10 55 माइनस 210, तो बस 5, और फिर यहाँ आ गया 15 प्लस माइनस अगेन, सो 155 डिग्री इज द राइट आंसर। डन, तो ये हो गए हमारे 10 एग्जाम्पल्स विद द ट्रिक हाउ टू फाइंड एंगल फ्रॉम द गिवन टाइम। बन जाएगा पक्का। तो क्लॉक के दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर, एक इमेज बेस और एक टाइम से एंगल निकालना। बाकी सारी क्लासेस की टाइमिंग एक बार फिर से देख लो, सुबह 7:30 बजे सब्सक्राइबर नॉन सब्सक्राइबर दोनों तैयारी साथ में करेंगे बैंक स्पेशल क्लास में, रात में 9 बजे SSC की फ्री स्पेशल क्लास, और 12:30 बजे 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है प्लस कोर्स 90 मिनट्स का लेक्चर डेली बेसिस पे विदाउट संडेज विदाउट सैटरडेज, ताकि आपकी तैयारी कंप्लीटली हो जाए। सब्सक्रिप्शन के लिए जिस कोड को यूज करोगे दैट इज SMS10। अब YouTube का स्केड्यूल भी ये रहा आपके सामने, सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ताकि आपके हर एक टॉपिक की हर एक पार्ट की प्रिपरेशन ऐसे ही चलती रहे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू टुमारो एट 5:30। तब तक के लिए टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच।